पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2015 को आधार मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी कर दी है। किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत किस श्रेणी की आरक्षित होंगी ये भी तय हो गया है। और नया बदलाव होने से कुल 16 जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण बदल गया है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सीटों का आरक्षण पहले जैसा रहा, सिर्फ महिला और अनारक्षित वर्ग में ही बदलाव हुआ है। ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तय की गई है। पंचायती राज विभाग ने आरक्षण निर्धारण का कार्यक्रम जारी किया है और सभी जिला अधिकारियों को 26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा। तो ये तमाम जिले हैं जहां पर आरक्षण की नई नीति लागू की गई है। ओबीसी के लिए आजमगढ़, बलिया, इटावा, फरुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती और संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीट आरक्षित की गई है। वहीं महिलाओं के आरक्षण जिले की बात करें तो बहराइच, प्रतापगढ़, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, आगरा, सुल्तानपुर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बलरामपुर, अलीगढ़ महिला के लिए आरक्षित हो गई है। अनारक्षित सीटों की बात करें तो गोंडा, प्रयागराज, बिजनौर, उन्नाव, मेरठ, रामपुर, फतेहपुर, मथुरा, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, अमेठी, श्रावस्ती, कानपुर देहात, अमरोहा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, कन्नौज, मऊ, सोनभद्र, हमीरपुर और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। अनुसूचित जाति के लिए लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, शामली, बागपत और कौशाम्बी की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं बदायूं, संभल, एटा, हापुड़, वाराणसी की जिला पंचायत सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है।